तो हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फिर से बात करते हैं थोड़ा वेदर के रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या वेदर का अभी कंडीशन है। तो करंट मौसम की बात करें तो यहाँ पे लगातार स्नोफॉल हो रही है करीब एक घंटे से, और यहाँ पे अभी तक ना 6 इंच के आसपास बर्फ़ जमा है दोस्तों। तो सोनामर्ग में तो 10 इंच के आसपास हुआ होगा, क्योंकि मॉर्निंग टाइम मैंने यहाँ यानी जोजला एरिया में, जोजला से थोड़ा ठीक नीचे यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में कुछ बर्फ़ था नहीं, लेकिन सोनामर्ग में उस टाइम भी 6 इंच के आसपास बर्फ़ जमा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब करीब एक डेढ़ घंटे से शुरू हुआ, तो देख सकते हो जी 6 इंच के आसपास बर्फ़ जमा है। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन हम जानने की कोशिश करते हैं मेट्रोलॉजिकल डायरेक्टर सनम लोटस, वो क्या कहना चाहेगा आगे आने वाले दिनों में, क्या कैसा वेदर रहेगा, क्या अलर्ट करना चाहेगा, तो आप उसके वॉइस यहाँ पे सुन सकते हो जी। जी, आप देखिए वेदर स्टेशन के मुताबिक अभी जम्मू कश्मीर के काफी सारे जगहों पे बारिश, जैसे जम्मू में या कश्मीर में बारिश कई जगहों पे गरज के साथ चमक भी देखा करके जम्मू रीजन में हुआ है, और पहाड़ी इलाकों में खास करके रुझिला एरिया में बर्फ भी हुआ है। तो अभी भी मौसम पूरा लद्दाख में उबरलुक बना हुआ है, जम्मू कश्मीर के भी कई जगहों पे बारिश हो रहा है, ऐसा ही मौसम रुक रुक के बारिश देखने का इंसान है। जैसे फैशन गुरु के मुताबिक अभी बारिश और होगा, कम नहीं होगा, रुक रुक के होगा, तो एक से मौसम ठीक रहने का इम्कान है। अब इस वेदर के ऐसे को मद्देनजर रखते हुए महकमा मोदी ने अपने इतला दी रही है कि लोगों को ये कि मौसम अभी खराब है, तो एक तो आजकल सुबह का सीजन है, इससे किस तरीके से प्ले ना करें, पोस्टपोन कीजिए। तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, उस पर जब बारिश पड़ता है तो वहाँ पे कभी एकदम फसियाँ आ जाते हैं, लैंडस्लाइड आते हैं, तो कंसर्न ट्रैफिक रफ्तार करके जाइए। और इसी तरह दुजिला साइड भी आया, तो फिलहाल आज तो दुजिला अभी मॉर्निंग में तो बंद था, तो अभी भी बारिश हो रहा है, तो उस टाइप का रहने का इम्कान है, 2 दिन तक मौसम खराब है। जी जी, पहाड़ी इलाकों में बर्फ तो हो रहा है और भी होंगे जी, अभी ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वाटर लेवल जो है, पानी का जो सतह है, तो लोगों को इतना दी जाती है, थोड़ा नदी नाले के किनारे ना जाइए, जैसे क्योंकि मौसम खराब है, तो थोड़ा आजकल का स्विमिंग का अप्रैल में के महीने में वैसे भी एकदम जब मौसम खराब होता तेज हवाएं भी चलते हैं, तो लोग सावधान रहिए, लोगों पानी के सतह के पानी के मतलब आस पास नदी तेज बहाव के पास ना जाए, क्योंकि तब डेंजरस होता है।